काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान जोधपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए। मामले की अगली सुनवाई जोधपुर कोर्ट में 19 दिसंबर को होगी। इस पेशी में पहले सलमान को सोशल मीडिया पर सोपो गैंग ने जान से मारने की धमकी दी थी। अब सलमान खान तो पेश नहीं हुए, लेकिन उनके वकील ने कोर्ट में क्या धमाल मचाया, चलिए हम आपको दिखाते हैं। काला हिरण केस, सलमान के वकील का गुस्सा, क्या चेहरा देखने के लिए बुलाते हो? जी हाँ, जोधपुर कोर्ट में सलमान खान की काला हिरण मामले में सुनवाई थी। सलमान खान को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन सलमान अपने बिजी शेड्यूल के चलते पेश नहीं हो पाए। उधर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान के वकील ने कोर्ट में ये कहकर धमाल मचा दिया कि क्या सलमान खान का चेहरा देखने के लिए बुलाया जाता है। वकील की इस बात से जज हैरान रह गए और उन्होंने कहा, क्या मैं? इस पर वकील ने कहा, आप नहीं, बल्कि मैं तो दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं। उनका इशारा सलमान खान के विरोधी वकीलों पर था। दरअसल दो दिन पहले सलमान खान को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारण के चलते और बिजी शेड्यूल के चलते सलमान खान कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसके बाद सलमान के वकील ने कोर्ट में नियमित हाजिरी माफी की अर्जी पेश की। इस पर कोर्ट ने सलमान खान की अर्जी को स्वीकार करते हुए उनको हाजिरी माफी दे दी। अब इस केस की अगली सुनवाई 19 दिसंबर को होगी। बता दें कि जोधपुर कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ दो मामले चल रहे हैं। पहला मामला 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान काला हिरण शिकार से जुड़ा है। इसमें 25 अप्रैल 2018 को सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई थी और सजा के खिलाफ सलमान की ओर से पेश हुई अपील पर सजा निलंबित करने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई चल रही है। दूसरा मामला अवैध हथियार खरीदने का है, जिसमें साल 2016 में सलमान को बरी कर दिया गया था, लेकिन सरकार ने सलमान के बरी किए जाने के खिलाफ कोर्ट में अपील की। इस पर भी सुनवाई हुई। अब 19 दिसंबर को सलमान खान जोधपुर कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचेंगे और ये सुनवाई उनके लिए काफी अहम होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।